जय मसीह के दोस्तों, किस तरह दानियल पवित्र जीवन का एक उदाहरण था। दानियल का जीवन पवित्र किए हुए व्यक्ति का प्रेरणा संपन्न उदाहरण है। इसमें सबके लिए एक पाठ है, विशेषकर युवकों के लिए। परमेश्वर की मांगों का पूर्ण पालन शरीर और मन दोनों के लिए स्वस्थ वर्धक है। नैतिक और मानसिक मर्यादा के उच्च स्तर तक पहुँचने के हेतु यह आवश्यक है कि परमेश्वर से बुद्धि व शक्ति मांगी जाए और जीवन की सारी आदतों में कड़ी संयमता बरती जाए। दानियल का चलचलन जितना निर्दोष था, उतने ही अधिक घृणा उसके विरुद्ध शत्रुओं द्वारा उकसाई गई, क्योंकि वे उसके चलचलन में अथवा कर्तव्य पालन में कोई दोष ना ढूंढ सके, इसलिए वे क्रोध के मारे पागल हो गए। तब से लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। दानियल 6:5। सारे मसीहों के लिए वहाँ पर कैसा उत्तम पाठ प्रदर्शित किया गया है। दिन प्रतिदिन दानियल पर ईर्ष्या की तीव्र दृष्टि लगी रहती थी। घृणा द्वारा ही यह दृष्टि तीव्र हो गई थी, तब भी उसके जीवन के किसी शब्द या कर्म से वे उसमें दोष ना ढूंढ सके। तब भी उसने पवित्रताई का कोई दावा नहीं किया, बल्कि वह काम किया जो अत्यंत सुंदर था। उसने नमक हलाली और समर्पण का जीवन व्यतीत किया। अब सम्राट के पास से हुक्म निकलता है, दानियल अपने शत्रुओं के नाश करने वाले से परिचित हो जाता है, परंतु वह अपना रवैया रत्ती भर भी नहीं बदलता। शांति के साथ वह अपना कर्तव्य का निवारण करता है और प्रार्थना के नियत समय में अपनी कोठरी में जाकर और खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोलकर वह अपनी प्रार्थनाओं को स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपस्थित करता है। इस कार्यवाही से मानो वह निर्भय होकर घोषणा करता है कि किसी सांसारिक शक्ति को अधिकार नहीं कि उसके और परमेश्वर के बीच में आकर बतलाए कि प्रार्थना किस से करनी चाहिए और किस से नहीं। का पुतला वह आज मसीही धैर्य और विश्वस्तता का संसार के सामने प्रशंसा योग्य उदाहरण है। संपूर्ण हृदय से वह परमेश्वर की ओर फिरता है, यद्यपि वह भली भांति जानता है कि उसकी भक्ति का मूल्य मृत्यु है। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है सो ही तुझे बचाएगा। प्रतः सम्राट ने सिंहों के गढ़े की ओर जल्द ही उसकी ओर पुकार कर कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा नहीं सका है। तब दाबी की वाणी उत्तर में सुनाई दी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुँह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरी भी मैंने कुछ हानि नहीं की। तब राजा ने दानियल के विषय में बहुत आनंदित होकर उसको गढ़े में से निकलने की आज्ञा दी और दानियल गढ़े में से निकाला गया और उसमें हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। इस प्रकार परमेश्वर के दास का छुटकारा हुआ और वह जल जो उसके बैरियों ने उसके नाश के लिए बिछाया था, उन्हीं की बर्बादी के कारण सिद्ध हुआ। राजा की आज्ञा पर वे सिंहों के गढ़े में डाले गए और जंगली जंतुओं ने उन्हें तुरंत ही चट कर दिया। जब 70 वर्ष की बंधुआई के समाप्त का समय आ पहुंचा, तो दानियल का मन यिर्मयाह की भविष्यवाणी पर अत्यंत व्याकुल हुआ। दानियल परमेश्वर के सामने अपनी स्वामी भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटता, बजाय पवित्र और निष्पाप होने का दावा करने के या मनुवीय नबी अपने को इज़राइल के पापियों में गिनता है। जो बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी, सो संसार के बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि से इतनी उच्च कोटि की थी। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश दोपहर को छोटे टिमटिमाते हुए तारे से अधिक चमकदार होता है, तो भी ध्यान दीजिए कि इस पुरुष के मुंह से निकली प्रार्थना पर स्वर्ग की बड़ी भरी कृपा हुई है। अत्यंत नम्रता से वह आंसू बहा बहा कर तथा हृदय को चूर चूर कर वह अपने और अपने काम के लिए विनती करता है। वह अपने हृदय को परमेश्वर के प्रताप तथा वैभव को स्वीकार करता है। दानियल प्रार्थना कर ही रहा है कि जिब्राइल दूत स्वर्गीय दरबार से तेजी से उड़ता हुआ
उसके पास यह कहने आता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई और उनका उत्तर दिया गया है। यह समर्थित दूत भेजा गया है कि उसको योग्यता और ज्ञान प्रदान करे और उसके सामने भविष्य के युगों के रहस्य खोले। प्रकार जब वह उत्कंठित हो सत्य को जानने तथा बुझने की चिंता में था, दानियल स्वर्ग के नियुक्त दूत के संसर्ग में लाया गया। उसकी प्रार्थना के उत्तर में दानियल को न केवल प्रकाश और सत्य ही प्राप्त हुआ जिनकी उसको और उसकी जाति को अत्यंत आवश्यकता थी, अपितु भविष्य की घटनाओं का एक दृश्य, यहाँ तक कि मसीह के आगमन तक का दृश्य भी दिखलाया गया। जो पवित्रताई का दावा तो करते हैं और शस्त्रों की ढूंढ ढाड़ करने की कोई इच्छा नहीं रखते या परमेश्वर के संग प्रार्थना में कुश्ती नहीं लड़ते कि बाइबल के सत्य की स्पष्ट समझ प्राप्त हो, वे जानते नहीं कि सच्ची पवित्रता है क्या चीज। दानियल परमेश्वर के संग बातचीत करता था, स्वर्ग उसके सामने खुल गया, परंतु जो सम्मान उसको दिया गया वह सब नम्रता और उत्साहपूर्ण कोशिश का फल था। जो तन मन से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वे उसकी इच्छा के ज्ञान के लिए भूख व प्यास प्रकट करेंगे। परमेश्वर सत्य का करता है, वह अंधेरी समाज को प्रकाशमान करता है और सत्य को जिससे उसने प्रकट किया है मानव बुद्धि को ग्रहण करने तथा समझने की शक्ति देता है। जगत के त्राणकर्ता ने जिन महान सत्यों को प्रकट किया है वे उनके लिए हैं जो सत्य की ऐसी तलाश करते हैं जिसे छिपे हुए धन की। दानियल वृद्ध हो गया था, उसका जीवन अन्य जाति के दरबार के आकर्षणों के दरमियान से होके गुजरा था। उसका मस्तिष्क भरी साम्राज्य की कार्यवाहियों से दबा हुआ था, तब भी वह इन सबको एक और करके अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने दुखी करता और परम प्रधान के मनोरथों का ज्ञान की खोज करता है और उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में स्वर्गीय दरबार से उनकी खातिर जो अंतिम दिनों में रहते हैं प्रकाश व ज्ञान पहुँचाया गया। तब हमको कितने उत्साह के साथ परमेश्वर को ढूंढना चाहिए ताकि वह हमारी बुद्धि को खोले कि हम उन सत्यों को जो स्वर्ग से भेजे गए हैं समझ सकें। दानियल परम प्रधान का उत्साही सेवक था, उसके पवित्र आचरण अधिक स्वामी भक्ति की बराबरी केवल उसके हृदय की नम्रता व सुशीलता ही कर सकती है। हम फिर कहते हैं दानियल का जीवन सच्ची पवित्रता का प्रेरणापूर्ण उदाहरण है। प्रभु आप सबों का आशीष दे। आमीन।